हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग अच्छे हैं। और जोस्ना के किचन में आप सबका स्वागत है। तो चलिए, आज बनाएंगे वेज बिरयानी। तो वेज बिरयानी बनाने के लिए हम देख सकते हैं सब सब्जी ले लिए हैं। थोड़ा गाजर ले लिए है, थोड़ा बीन्स ले लिए है, थोड़ा फूल गोभी ले लिए, एक आलू ले लिए हैं, और थोड़ा सा मटर ले लिए है, और यहाँ पर 2 प्याज हम ले लिए हैं। इसको हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो साइड रख देते हैं सब्जी को। और यहाँ पर हम 2 गिलास चावल ले लिए है, जो छोटा वाला गिलास होता है। तो हम यहाँ पे 2 आदमी का बना रही हूँ। तो चावल को जो है आधा घंटा पहले हम भिगो के रख दिए थे। बासमती चावल है तो इसको भी हम पानी इसको निचोड़ लिए हैं। और यहाँ पे हम दही ले लेंगे, और दही में कुछ मसाला हम ऐड करेंगे। तो मसाला में है हल्दी ले लिए है 1 चम्मच, यहाँ पे जीरा पाउडर है आधा चम्मच, आधा चम्मच धनिया पाउडर है, और आधा चम्मच है आपका ये किचन किंग मसाला जो होता है वो ले लिए हैं। यहाँ पे लाल मिर्चा का पाउडर ले लिए हैं, और ये है जो एवरेस्ट का आता है बेस बिरयानी जो मसाला आता है वो ले लिए हैं। तो ये सारे मसाला को दही में जो है हम अच्छे से एक मतलब पेस्ट बना लेते हैं। दही में डाल के अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं। तो मसाला थोड़ा सूखा हो चुका, तो हम थोड़ा सा इसमें पानी दे देते हैं। पानी दे के बढ़िया से बना लेते। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, सब अच्छे से हो चुका। अब चलिए बनाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम कुकर में बनाएंगे। तो कुकर में थोड़ा सा हम रिफाइंड दे देते हैं, और थोड़ा घी दे देते हैं, देसी घी दे देते हैं। और यहाँ पे हम कुछ मसाला दे देंगे। तो 2-3 तेज़पत्ता, थोड़ा सा हाथ जीरा, एक बड़ी इलायची, उसको भी हम थोड़ा सा फोड़ दिए हैं, 2 छोटी इलायची, कुछ काली मिर्च है, थोड़ा सा फूल है जो जावित्री फूल है, और दालचीनी है, लौंग है। तो ये जो मसाला है हम दे देते हैं। मसाला हमारा फट चुका है, अब हम जो है प्याज दे देंगे। तो प्याज को जो है हम एकदम ब्राउन बना लेंगे। जैसे हम लोग नॉर्मल बिरयानी बनाते हैं तो प्याज को अच्छे से जैसे ब्राउन बनाते हैं, तो पूरा ब्राउन बना लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा प्याज जो है अच्छे से ब्राउन हो चुका। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट दे देंगे। तो 1 इंच अदरक और 1 लहसुन का हम पेस्ट बना लिए हैं। तो इसको भी हम 2 मिनट चलाते हुए चला लेते हैं। 2 मिनट, तो 2 मिनट भून लिए हैं। आप जो है हम इसको जो पेस्ट हम बना के रखे थे दही सारे मसाला के, तो वो पेस्ट हम दे देंगे। और उसी कटोरी को धो के थोड़ा सा पानी भी दे देते हैं। और ये सारे मसाला को जो है हम अच्छे से मीडियम फ्लेम पे रख के अच्छे से भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब है हम सारे जो सब्जी है सब दे देंगे। मैं यहाँ पे 200 ग्राम बासमती चावल यूज कर रही हूँ, 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो 200 ग्राम चावल हम दे दिए, उसमें सब्जी भी है, और 100 ग्राम दही का यूज किए हैं। फ्रेंड, आप लोगों के पास अगर चक्राई फूल है तो स्टार फूल के नाम से जानते हैं, अगर आपके पास है तो दे दीजिए। मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए नहीं दे पाए। आप लोगों के पास है तो ज़रूर दे दीजिएगा। तो सब्जी के साथ 2 मिनट इसको भी हम अच्छे से मसाला के साथ भून लेते हैं। तो 2 मिनट हो चुका, अब इसमें हम चावल दे देंगे। चावल दे दिए हैं, चावल को भी 2 मिनट हम चला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुका। ये जो गिलास है छोटा वाला, इसी गिलास का हम 2 गिलास दिए थे, तो इसी गिलास का हम 4 गिलास पानी दे देंगे। फ्लेम को फुल कर दिए हैं। अभी तक हम नमक नहीं दिए हैं, अब हमें नमक देना है। तो स्वाद अनुसार नमक दे दिए हैं।
और ऊपर से कुछ हरी धनिया दे देते हैं। अगर पुदीना का पत्ता है तो वो भी दे दीजिए, यहाँ पे मिलता ही नहीं है पुदीना। कवर कर देते हैं, दो सीटी लगाएंगे। दो सीटी लगाने के बाद मीडियम फ्लेम पे हम दो सीटी लगाएंगे। लगाने के बाद इसको बंद करके रख देंगे। जब कुकर हमारा ठंडा हो जाएगा तब इसको हम ओपन करते हैं। तब चलिए फ्रेंड्स निकालते हैं। दो सीटी देने के बाद हम ठंडा करके रखते थे, मतलब ठंडा हो चुका। तो देख सकते हैं फ्रेंड कितना सुंदर बना है बेस बिरयानी। और इसमें अगर आप चाहे तो दही दे के खाए या तो घी डाल के खाए, जैसे आपका मन हो। तो कैसा लगा मेरे रेसिपी आप सबको बेस बिरयानी का? अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब लोग स्वस्थ रहे, बाय।